हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सुपर 40। मैं आपकी ईवीएस की टीचर प्रवर्तिका वर्मा। आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक नए चैप्टर के साथ, जो है क्लास सेकंड का चैप्टर 14, एनिमल्स। एनिमल्स क्या होते हैं? जो हमारे आसपास हम कभी कभी देखते हैं ना, डॉग है, कैट्स है, काऊ है, बुफेलो, ये सारे क्या है? एनिमल्स हैं। क्या है? ये सारे एनिमल्स हैं। मेनी काइंड ऑफ एनिमल्स लीव ऑन अर्थ। ये बहुत तरीके के जो एनिमल्स हैं वो कहाँ रहते हैं? हमारे अर्थ पे। जहाँ हम लोग रहते हैं वहीं ये लोग भी रहते हैं। देखा है ना आपने, जहाँ जैसे कि जो अर्थ है उस पे ज़रूरी तो नहीं सिर्फ हम ही लोग रहें, हमारे अलावा भी कुछ लोग रहते हैं, है ना, जिनको क्या कहते हैं हम? एनिमल्स। इनको क्या कहते हैं? एनिमल्स। उनको एनिमल्स की कैटेगरी में रखा गया है। एनिमल कैन बी स्मॉल और बिग। कुछ एनिमल्स जो है वो छोटे भी होते हैं और कैसे होते हैं? बड़े भी होते हैं। होते हैं कुछ छोटे और कुछ बड़े। जैसे माउस है हमारा, माउस क्या है? बहुत छोटा है। चूहा हमारा छोटा होता है ना। एलिफेंट उतना ही बड़ा होता है। चूहा जितना छोटा होता है और एलिफेंट उतना ही क्या होता है? बड़ा होता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स। हमारे बहुत सारे तरीके के क्या होते हैं? एनिमल्स। अब देखते हैं हम एनिमल्स को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एनिमल्स तो बहुत सारे हैं, बट उनको कैसे कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है कि कौन से एनिमल कौन किस कैटेगरी में आएंगे, कौन से एनिमल किस कैटेगरी में आएंगे। फर्स्ट क्या है हमारा? वाइल्ड एनिमल। फर्स्ट क्या है हमारा? वाइल्ड एनिमल। एनिमल्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल। जो एनिमल्स जंगल में रहते हैं उनको क्या कहते हैं हम? वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड मीन्स क्या होता है? जंगली। वाइल्ड मीन्स जंगली। तो जितने भी जानवर हैं जो जंगल में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वाइल्ड एनिमल। उनको क्या कहते हैं हम? वाइल्ड एनिमल। वी कैन सी मोर वाइल्ड एनिमल्स इन द जू। हम कुछ वाइल्ड एनिमल्स कहाँ देखते हैं? हम जू में भी देखते हैं। चिड़ियाघर जो होता है हमारा, वहाँ पे भी क्या हम देखते हैं? कुछ कुछ वाइल्ड एनिमल्स वहाँ भी देखने के लिए मिलते हैं हमें। देखा होगा आपने, जैसे लॉयन है, एलिफेंट है, वोल्फ है हमारा, जेब्रा है, ये सारे कहाँ देखने मिलते हैं? देखने को मिलता है। अगर वोल्फ अभी यहाँ आ जाए तो क्या होगा? सारे लोग डर के इधर उधर भागने लगेंगे, है ना, क्योंकि ये कैसा होता है? बहुत डेंजरस होता है। अगर आप एलिफेंट कभी कभी रोड साइड में भी देखा होगा आपने, जू में भी देखा होगा आपने, सर्कस में देखा होगा, है ना, एलिफेंट को। और लॉयन है, लॉयन को आपने सर्कस में भी देखा होगा, जू में भी देखा होगा, बट रोड पे नहीं देखा होगा आपने, क्योंकि अगर वो रोड पे आएगा तो क्या होगा? सारे लोग इधर उधर भागने लगेंगे, क्योंकि वो क्या होता है? वो लोगों को खा जाता है। इस वजह से वो बहुत कैसा होता है? बहुत डेंजरस होता है, इसलिए उसको हम लोग रोड साइड में नहीं देखेंगे। हम कहाँ देखते हैं? सिर्फ जंगल में और जू में। नेक्स्ट क्या है हमारा? पेट एनिमल। एनिमल्स दैट वी कीप एट होम आर नो एज पेट एनिमल। हम जिन एनिमल्स को घर में रख सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पेट एनिमल। उनको हम क्या कहते हैं? पेट एनिमल। हमारा डॉग है, कैट है, माउस है, रैबिट है, ये सारा हमारा किस में आएगा? पेट एनिमल्स में, क्योंकि इनको हम क्या कर सकते हैं? अपने घर में पाल सकते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं? ये लोग हार्म नहीं पहुंचाते हैं किसी को। डॉग्स आप देखते होंगे, बहुत सारे घर में लोग डॉग्स रखते हैं। उसकी भी काफ़ी सारी कैटेगरीज है, जैसे जर्मन शेफर्ड है, लेब्राडोर है, पवेलियन है, है उसकी भी कैटेगरीज है डॉग्स में। माउस को भी बहुत सारे लोग, माउस तो हर जगह ऑलरेडी सबके घर में मिल जाता है ना। लोग कहते हैं ना, अरे यहाँ मत रखो नहीं तो चूहा खा जाएगा, ऐसा बोलते हैं, आपके भी घर में होगा। फिर कैट, बिल्ली मौसी, ये तो सबके घर में होती हैं, आती है और क्या करती है? दूध पी जाती है। तो ये कैट है, ये घरों में भी लोग पालते हैं, ये ऐसे ही आपको कहीं भी रोड साइड भी दिखेंगी, है ना। फिर नेक्स्ट क्या आता है हमारा? फर्म एनिमल्स। क्या आता है हमारा?
फर्म एनिमल्स। फर्म एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स दैट लिव इन अ फर्म आर नो एज फर्म एनिमल्स। जो हमारे फर्म्स में रहते हैं, यहाँ पे फर्म वो जगह होती है जहाँ पे, जैसे अगर कहीं एक फर्म है वहाँ पे सिर्फ हम किसको रखेंगे, मुर्गी को रखेंगे, तो वो क्या हो गया, पोइट्री फार्म हम हो गया हमारा, क्या हो गया वो, पोइट्री फार्म, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुर्गी होगी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। तो जिस जगह पे हम इन लोगों को रखते हैं, इनको पालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फार्म कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, फर्म कहते हैं। तो उसमें हमारा क्या क्या आता है, हैन है, शिप है, गोट है और डक है, ये सारे हमारे क्या हैं, फर्म एनिमल्स, क्या है हमारे, फर्म एनिमल्स। एक्यूरेटिक एनिमल्स, अब आप माइंड में होगा एक्यूरेटिव एनिमल्स कौन से होते हैं, आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जो पानी में रहते हैं, सम एनिमल्स दैट लिव इन वाटर कॉल्ड एक्यूरेटिव एनिमल्स, उनको हम क्या कहते हैं, एक्यूरेटिव एनिमल्स। जस्ट लाइक फिश, फिश हमारा कहाँ रहता है, वाटर में, कहाँ रहता है, वाटर में। वेल फिश कहाँ रहती है, वाटर में, कहाँ रहता है वो, पानी में, क्योंकि अगर हम उसको पानी से अगर निकाल देंगे तो वो क्या होगा, वो मर जाएगा, वो सिर्फ। ऑक्टोपस भी हमारा क्या हो गया, एक्यूरेटिव एनिमल्स हो गया, क्योंकि वो भी कहाँ रहता है, सिर्फ और सिर्फ पानी में रहता है ना, क्योंकि ये लोग सिर्फ पानी में ही रह सकते हैं। अगर हम और आप अगर कुछ पानी में हम लोग को रहने के लिए बोला जाए तो हम लोग कितनी देर रह सकते हैं, कुछ टाइम रह सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम पूरी लाइफ उसी पानी में रह सकते हैं, नहीं, हम मर जाएंगे। और ये फिश है, ये फिश जो है, अगर इनको हम जैसे जहाँ हम रह रहे वहाँ इनको लाएंगे और पानी में ये ना मिले इनको, तो ये क्या होगी, पानी से निकालते ही मर जाएंगे ये लोग। जैसे आप छोटे रहोगे तो आपने पोएम सुनी होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना, वैसे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एम्फीबियंस एनिमल। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये एम्फीबियंस एनिमल्स क्या होता है, आपने देखा भी होगा उसको बारिश के टाइम में, है ना, फ्रॉग। फ्रॉग क्या है हमारा, एम्फीबियंस एनिमल है। एनिमल्स दैट लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड आर कॉल्ड एम्फीबियंस। जो हमारे एनिमल्स लैंड पे भी रहे और वाटर में भी रहे, उनको हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस। फ्रॉग, टॉर्टोइस और आपका ये स्नैक, ये सारे क्या है हमारे, एम्फीबियंस है। क्रोकोडाइल, ये सारे क्या है हमारे, एम्फीबियंस है। ये वाटर में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं, ये दोनों जगह सरवाइव कर सकते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस। अब हम देखते हैं आगे, अब हम देखते हैं एनिमल्स और उनके बेबीज को, कि जो एनिमल्स हैं उनको, एनिमल्स के नाम तो हम जानते हैं बट उनके बेबीज के क्या क्या नाम हैं हम वो देखते हैं। हैन के बेबी का क्या नाम है, चिक। हैन के बेबी का क्या नाम है, चिक, उसको हम चिक के नाम से जानते हैं। काऊ का कफ, काऊ का, काऊ के बेबी बछड़े को हम क्या बोलते हैं, कफ। और ये जो चिक है उसको क्या बोलते हैं, चूजा, उसको क्या बोलते हैं हम, चूजा। शिप के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, लैम। शिप के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, लैम। डक के बच्चे को डिकलिंग, डक के बच्चे को डिकलिंग। अब हम देखते हैं एनिमल्स एंड देयर होम्स। अब एनिमल्स जिस जिस घरों में रहते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, केव। इसमें कौन रहता है, लॉयन, फॉक्स और बियर। ये लोग जहाँ रहते हैं उसको क्या कहते हैं, ये लोग गुफा में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, गुफा में रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, केव। क्या कहते हैं हम, केव। अब हमारा आता है स्टेबल। ये स्टेबल कौन सी जगह है, जहाँ पे हॉर्स, जहाँ हॉर्सेस रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टेबल। उसके घर को हम क्या कहते हैं, स्टेबल। जैसे हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं, वहाँ हम कहाँ रहते हैं,
अपने खुद के घर में रहते हैं। जैसे हमने हाउस के बारे में बताया था आप लोगों को, कच्चा हाउसेस, परमानेंट हाउसेस, टेंट हाउस, है ना, फ्लैट्स, ये सब पढ़ाया था, वो ह्यूमंस के थे। वैसे ही ये क्या है, ये एनिमल्स के हैं। ये किसके हैं, एनिमल्स के। नेक्स्ट क्या है हमारा, शेड। नेक्स्ट क्या है हमारा, शेड। जहाँ काउज, जहाँ कौन रहता है, काउज रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, शेड्स। जिस जगह पे काऊ यानी गाय रहती है उसको हम क्या कहते हैं, शेड्स। काऊ के घर को हम शेड्स कहते हैं। होल्स, होल्स में कौन रहता है, ये तो आपको पक्का पता होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। स्नैक, होल्स में कौन रहता है, स्नैक रहता है। कौन रहता है, स्नैक। और कौन रहता है, माउस। कौन रहता है, माउस। ये लोग कहाँ रहते हैं, होल्स में, अपने छोटे से बिल बना के कहाँ रहते हैं, वो लोग बिल में रहते हैं ना, उसमें कौन लोग रहते हैं, जो इसमें रहते हैं उस स्नैक और माउस के घर को हम क्या कहते हैं, होल्स। क्या कहते हैं, होल्स। अब आता है नेस्ट, ये तो आपको पता होगा, नेस्ट जहाँ बर्ड्स, जहाँ बर्ड्स रहते हैं उसको क्या कहते हैं, नेस्ट। वो लोग अपना घोंसला बनाते हैं ना, घोंसला बना के वहीं रहते हैं, उसमें वो लोग अपने अंडे भी देते हैं, उसको वो लोग कहाँ रहते हैं, नेस्ट पे, पेड़ की डाल पे क्या बनाते हैं, वो लोग घोंसला बना के उसी में रहते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, कैनल्स। नेक्स्ट क्या है हमारा, कैनल्स। अब यहाँ कौन रहते हैं, जहाँ डॉग्स रहते हैं, डॉग्स जहाँ रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कैनल्स। उनको हम क्या कहते हैं, कैनल्स। आपने देखा होगा वहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा होता है, वो हट जैसा होता है, यहाँ से ऐसा होता है, छोटा सा घर होता है, उसको क्या कहते हैं, कैनल्स। उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन रहते हैं, डॉग्स रहते हैं। डॉग्स के घर को हम क्या कहते हैं, कैनल्स कहते हैं। अब जो जो ये वीडियो देख रहा होगा उनके घर में भी कैनल्स होंगे, जिनके घर में डॉग्स होगा, है ना, जहाँ जिन जो जो लोग डॉग्स रखे होंगे वो लोग भी तो डॉग का घर भी तो रखा होगा, अपने कैनल्स अपने घर में होगा ना। तो यहीं पे हमारा चैप्टर क्या होता है, क्लोज होता है। हमने देखा एनिमल्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, पेट एनिमल, वाइल्ड एनिमल और हमारा फार्म एनिमल्स, एक्यूरेटिव एनिमल्स, एम्फीबियंस एनिमल्स, फिर हमने देखा कि इनके बच्चों के क्या नाम हैं, फिर उनके घर को हम किस नाम से जानते हैं। तो यहीं पे हमारा चैप्टर क्लोज होता है। अगर ये सारा पढ़ाया हुआ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये सारी नॉलेज आपके फ्रेंड्स तक और दूसरों तक भी पहुँच सके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।